हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं व्रत में खाए जाने वाला साबूदाने का चीला। तो आइए शुरू करते हैं साबूदाने का चीला बनाना। हम यहाँ व्रत में खाए जाने वाला चीला बना रहे हैं, तो ज़्यादा मसाले नहीं ले रहे। ये मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है, इसको मैंने 2 घंटे भिगोकर छोड़ दिया है और भीगने पर ये देखिए साबूदाना फूल जाता है। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे और मिक्सर के जार में हम सबसे पहले आलू है ना, उसको डालेंगे। हमें यहाँ बॉईल किया हुआ आलू लेना है। और आप इस तरीके से फास्ट में खाया जाने वाला नाश्ता घर पर बना सकते हो। और ये देखिए आलू को हम इस तरीके से कट करके जार में डालेंगे और साथ ही में हम यहाँ हरी मिर्च डालेंगे और भीगा हुआ साबूदाना डालेंगे। और इन्हीं के साथ में हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा दही। दही आप 3 छोटे चम्मच ऐड कर सकते हो। और इसके साथ में डालेंगे हम काली मिर्च और मूंगफली के दाने, इनको मैंने रोस्ट कर लिया है। और इन सभी को हम बारीक पीस लेंगे। और ये देखिए मिक्सर में मैंने इनको पीस लिया है। हमें इनको ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, एकदम लिक्विड नहीं करना, इस तरीके से थोड़ा थिक रखना है। और पिसे हुए इस मिक्सर को हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच नमक। यदि आप फास्ट में नमक खाते हो तो ऐड कीजिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। आप यहाँ पर सेंधा नमक ऐड कीजिए और नमक डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे हम सिंगाड़े का आटा। कहीं कहीं पर इसे कट्टू का आटा भी बोलते हैं। और सिंगाड़े का आटा डालने के बाद में थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इन सभी को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आप इसको लगातार फेंटते रहेंगे तो ये आसानी से मिक्स हो जाता है। और ये देखिए हमें इसको इतना थिक रखना है और ज़्यादा लिक्विड नहीं करना। यदि लिक्विड कर दिया तो जो हम चीले बनाएंगे ना वो फट जाएंगे और अच्छे से बनेंगे नहीं। थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड किया है और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। आप इस तरीके से आसानी से चीला बना सकते हो। और ये देखिए मिक्सर हमें इस तरीके का बनाना है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं, गैस को ऑन करेंगे और उसमें रखेंगे हम कढ़ाई। मैं यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई यूज कर रही हूँ। यदि आपके पास नॉनस्टिक तवा है तो आप इसको तवे पर भी बना सकते हो। और अब इसमें डाला है मैंने 1 छोटा चम्मच घी। घी जब गर्म हो जाएगा कढ़ाई में तब इसमें हम ये लिक्विड डालेंगे और इसको चारों तरफ इस तरीके से फैला लेंगे। और ये देखिए एक साइड से चीला है ना जो हमारा सिक चुका है। और अब हम इसको पलटेंगे। इस तरीके से हमें इसे पलटना है और इसका कलर हल्का गोल्डन हो जाए इतना हमें पकाना है। मैं यहाँ व्रत के लिए चीला बना रही हूँ तो इसमें बहुत कम मसाले यूज कर रही हूँ। यदि आप ऐसे ही घर पर बिना फास्ट के इसे बना रहे हो तो इसमें आपकी पसंद के अनुसार इसमें मसाला ऐड करके और आप इसको और भी टेस्टी बना सकते हो। और ये देखिए चीला हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं यहाँ दूसरा चीला बना रही हूँ। कढ़ाई में हम वापस थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और घी को चारों तरफ फैला लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम मिक्सर, जो हमने साबूदाना और आलू और कट्टू के आटे का बनाया है ना वो। ये मिश्रण हमें इस तरीके से ऐड करना है और इसको हम चारों तरफ फैला लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखना है और साथ में हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे और इसको चारों तरफ फैला लेंगे। एक साइड से जब ये चीला पक जाएगा तब हम इसको पलटेंगे। कच्चे चीले को ना पलटे, कच्चा पलटने से क्या होता है ये बीच में से टूट जाएगा। और ये देखिए एक साइड से चीला हमारा पक चुका है, अब इसको हम पलट लेंगे। आप इस तरीके से आसानी से साबूदाना चीला बना सकते हो। लेकिन साबूदाना चीला आप जब बनाते हो तो साबूदाना है ना उसको आप 2 घंटे पहले भिगोकर छोड़ दीजिए। और भीगने के बाद में साबूदाना बहुत सॉफ्ट हो जाता है और इससे चीले भी हमारे बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और ये देखिए चीला हमारा बनकर तैयार हो चुका है।
और बीच बीच में आप इसको इस तरीके से फेरते रहिए। और ये देखिए चीला हमारा बनके तैयार हो चुका। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। आप इस तरीके से झटपट साबूदाना चीला बना सकते हो। और इसी तरह मैं यहाँ तीसरा चीला बना लूंगी। जब भी आप साबूदाना चीला बनाओ तो आप ये मिक्सर है ना, जो बैटर हमने तैयार किया है, इसको एकदम ठीक बनाना है। ना तो इसको ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ज़्यादा लिक्विड, इसको मीडियम साइज का बनाना है इस तरीके का। और इस तरीके का आप मिश्रण बनाओगे तो साबूदाना चीला है ना, जो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और अच्छे बनेंगे। और ये देखिए तैयार हो चुके हैं हमारे साबूदाना चीला। आइए हम साबूदाने चीले को सर्व करते हैं। और बनने में भी बहुत कम समय लगता है, एकदम हेल्दी है। और इसको खाने के बाद में आराम से फास्ट में पेट भर जाता है। और ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट चीला बनके तैयार है। आप इस चीले के साथ में धनिए की हरी चटनी ले सकते हो। मैं यहाँ चीले को दही के साथ में सर्व कर रही हूँ। और दही के साथ में मैंने लिया है भुना हुआ जीरा। यदि फ्रेंड्स आपको ये चीला बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें। और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये तरीका कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।